फ्रेंड्स चलिए चलते हैं लोसार, पहले चाय पियेंगे उसके बाद फिर काजा की तरफ निकलेंगे जो कि यहाँ से 19 किलोमीटर है। तो अभी भी ऑफ रोडिंग सारा का सारा, तो आप देख रहे हैं सामने क्या भाई सब माउंटेन्स हैं, मतलब गजब माउंटेन्स है। देखो ज्योग्राफी जो है ना यहाँ की बिल्कुल डिफरेंट है स्पीति की, इसलिए स्पीति बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर जो है आपको ग्रीनरी नहीं मिलेगी ज़्यादा, कहीं कहीं आपको ग्रीनरी मिलेगी बाकी ओवरऑल, क्योंकि यहाँ पर स्नो बहुत पड़ता है, मतलब इतना स्नो पड़ता है कि ये 3 महीने पूरा, मतलब 3 महीने ओपन रहता है और ऑलमोस्ट फिर बंद भी रहता है काफ़ी टाइम तक। खाना है अभी, देखिए आपको किस तरह से जो है ये पहाड़ों का कलर है और क्या ज्योग्राफी है यहाँ स्पीति की। रोड ओए बिंदास फर्स्ट क्लास, मजा आ गया भाई देख के ही, मजा ये तो पूरा रहेगा। तो दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं लोसार और बहुत ही सुंदर ये गांव है स्पीति का, बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसकी ब्यूटी आप देखेंगे तो देखते रह जाएंगे यार सच में, तो ज़रूर देखना। और आगे की ब्यूटी भी ना बहुत ही अल्टीमेट है, मतलब स्पीति ना अपनी ब्यूटी के लिए ही जाना जाता है। लोसार से अभी बिल्कुल जस्ट निकले हैं हम लोग और अभी हम लोग हैं 6 लोग, मतलब साथ में मिल गए हैं भाई लोग कुछ लोग, तो यार अल्टीमेट मज़ा आता है, मतलब साथ में चलते हैं तो देखो आप बहुत ही मज़ा आता है, सच में मज़ा आता है। और फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं चिचम ब्रिज होते हुए किप्पर, और किप्पर से जो है की, और की से फिर रुक जाएंगे काजा।
तो देखिए अभी हम पहुंच चुके हैं हंसा स्पीति। तो दोस्तों सामने देखिए क्वाटो आ चुका है जो कि बहुत ही खूबसूरत गांव है। दो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ जो है क्वाटो के फील्ड्स स्टार्ट हो चुके हैं। सो दिस इज क्वाटो। सामने देखिए क्या ब्यूटीफुल नजारे हैं। वो देखिए किस तरह का पहाड़ है दोस्तों यहाँ पर। वाओ, मैंने आपको पहले ही बोला था यहाँ की ज्योग्राफी जो है स्पीति की बिल्कुल डिफरेंट है, कल्चर भी थोड़ा डिफरेंट है। सामने देखिए दोस्तों क्या ब्यूटीफुल नजारे हैं देखिए आप। चलो 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 आ रहा हूँ मैं, चलो 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 आ रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए नज़ारे यहाँ के, क्या जबरदस्त नज़ारा है, मतलब अल्टीमेट नज़ारा। तो यार एक फोटो बनती है। तो दोस्तों देखिए यहाँ से जो है किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टार्ट हो जाती है और यहाँ से जो छिछम ब्रिज है वो 19 किलोमीटर है। दोस्तों देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आपको मैं दिखा रहा हूँ, नीचे बहती हुई जो है नदी और सामने देखिए बिल्कुल बिल्कुल अलग पहाड़ और ये है लकड़ी का पुल और ये अपनी है बुलेट और सामने देखिए जा रहा है ये रोड जो है छिछम ब्रिज और किब्बर के लिए। सामने कौन सा गांव है? छिछम। छिछम, अच्छा छिछम विलेज। हाँ एक्चुअली ऐसे है कि मैं तो मतलब इकनौर से हूँ बट मैं पहले आते जाते रहता हूँ। ठीक है। तो मतलब यहाँ पे पहले जो था मतलब ऐसा वो तारें लगी नहीं होती जिसमें स्पेन जाती है। हाँ ओके। ऐसा वाला सिस्टम था तो यहाँ से ना रोड्स थी ना कुछ थी। ओके। तो मतलब यहाँ से लोग जो थे मतलब उसमें चढ़ के मतलब अरे परे पार आर पार होते थे। अच्छा अच्छा। उसके बाद मतलब काफ़ी साल तक ना भाई है ना, काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी टाइम लगा शायद लगभग पिछले सेंचुरी से थे शायद ऐसी ना। ओके ओके ओके। तो उसके बाद मतलब बाद में ऐसा हुआ कि भाई ब्रिज बना यहाँ पे ना और ये इतना फेमस हो गया कि ये विलेज जो है ना ये हाईएस्ट ब्रिज शायद इंडिया में है, शायद हाईएस्ट इंडिया का, इंडिया का हाईएस्ट मतलब ये ब्रिज है, सस्पेंशन ब्रिज, यू कैन से सस्पेंशन ब्रिज। हाँ एशिया में शायद सेकंड नंबर पे है शायद। ओके। को मिल चुका है गौरव जो कि पहले भाग आया था। ये तो हुआ क्या कि मैं थोड़ा सा रुक गया था फोटोग्राफी के लिए और भाई गौरव ने क्या किया फटाफट निकल आया। तो देखिए नीचे छिछम ब्रिज नज़र आ रहा है जो यार अल्टीमेट मतलब क्या बताऊं भाई साहब, मतलब गजब लग रहा है ये तो यार बहुत ही। तो यार देखो छिछम ब्रिज मस्त है एकदम और बहुत ही ब्यूटीफुल भी है। हेलो गाइज, तो मेरे बिल्कुल बैकग्राउंड में है छिछम ब्रिज जो कि इंडिया का नंबर वन और बहुत ही फेमस ब्रिज है जो कि एक सस्पेंशन ब्रिज है और एशिया का सेकंड नंबर पे क्योंकि ये बहुत ही हाइट पर है दोस्तों। इतनी हाइट पर इंडिया में कोई और ब्रिज नहीं है सस्पेंशन ब्रिज। ये छिछम ब्रिज किब्बर गांव को छिछम गांव से जोड़ता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रिज है। तो सिसु से देखो हम फिर ऊपर आए हैं, ठीक है, ऊपर आकर के हम जो है मतलब गए चंद्रलेक और चंद्रलेक हमने स्टे किया। चंद्रलेक से स्टे करने के बाद फिर हम चल करके कुंजुमला गए। कुंजुमला से फिर हम लोग देखो अब सीधा छिछम होते हुए किब्बर जा रहे हैं और फिर इसके बाद जाएंगे काजा। तो फ्रेंड्स जुड़े रहिए स्पिरिचुअल हिमालय यूट्यूब चैनल से
और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर भी करिए। बहुत मेहनत लग रही है यार, ये आपका जो पूरा राइड है ना, तो जीले अपनी जिंदगी। तो फ्रेंड्स टाइटल भी मत भूलना, जीले अपनी जिंदगी। ओके, तो फिर मिलते हैं किप्पर गांव में, लेट्स गो। गाइज इट्स सो ब्यूटीफुल ना, रियली यार, अल्टीमेट। वो आपको दिख रहा है देखिए ऊपर, किप्पर गांव, किप्पर विलेज। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ किप्पर विलेज, देखिए ये है किप्पर विलेज, और जो कि बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण स्पीति का एक गांव है, काफ़ी हाइट पर है। तो दोस्तों किब्बर गांव को ना मड के ना मतलब मड विलेज भी बोला जाता है, क्योंकि यहां पर सारे जो है मड के मतलब मिट्टी के घर बने हुए हैं। तो बिल्कुल एकदम जो घर है ना वो मिट्टी के हैं, यहां बहुत ज़्यादा मतलब बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है, अच्छी खासी यहां बर्फ़ पड़ जाती है, और ये पूरे जो है काफ़ी समय के लिए बंद कर दिया जाता है पूरे गाँव को, गाँव क्या पूरा स्पीति बंद हो जाता है। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं की मोनेस्ट्री और काजा की ओर। तो दोस्तों देखिए हम पहुंच चुके हैं की मोनेस्ट्री में,